नमस्कार, संडे एंड फंडे रेसिपी में आपका स्वागत है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में घर घर खाने को मिठाई मिलती है। बात जब मिठाई की हो तो गुलाब जामुन का नाम सबसे पहले आता है, तो आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं उनमें कौन कौन सी सामान यूज किया जाता है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मावा लिया है। बाजार में शुद्ध मावा नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको घर पे ही बनाया है। मावा रेसिपी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। मैदा 5-6 चम्मच, चीनी 200 ग्राम, गार्निश के लिए पिस्ता और काजू, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, इलायची 2-3 स्वाद के लिए, फ्राई करने के लिए घी 200 ग्राम। चलिए अब गुलाब जामुन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम मैश करेंगे खूब अच्छी तरह से। मावा को खूब अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के करते रहेंगे मैश। आप इसे कद्दूकस से भी मैश कर सकते हैं और मिक्सर में भी मैश कर सकते हैं। हमने इसको घर पे ही मावा बनाया है, इसलिए हमारा मावा बहुत ही सॉफ्ट है। हम इसलिए डायरेक्ट प्लेट में मैश कर रहे हैं। इसको हम 7-8 मिनट तक मैश करेंगे, जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। आइए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डो तैयार हो गया है कि नहीं। छोटा सा बॉल बनाएंगे। ये देखिए, कहीं से फटा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा डो तैयार है। अब हम इसको रख देते हैं। चलिए अब चाशनी बनाते हैं। हम चाशनी बनाने के लिए 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। चीनी डालेंगे और हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना तली में। इसको 6-7 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इसका बॉल बना लेते हैं। हम इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। ऐसे हम घी को लगा लेंगे, फिर इसको लेके ऐसे गोला करेंगे। ये ध्यान रहे कि ये फटना नहीं चाहिए। ये देखिए, ऐसे ही एक एक करके सारे बॉल हम बना लेंगे। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारा चाशनी तैयार नहीं है, जब तक ये पक रहा है तब तक चलिए हम बॉल को फ्राई कर लेते हैं। स्वाद के लिए हम इसमें हरी इलायची डालेंगे। चाशनी हमारा तैयार हो गया है। चाशनी को हम ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे। अब हम गैस बंद करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। आइए गुलाब जामुन हम चेक कर लेते हैं। गुलाब जामुन को चलाते वक्त कलछुल से नहीं करना है, उसको हल्के हाथ से चलाना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। अगर आपका गुलाब जामुन फट रहा हो तो उसमें 1-2 टेबल स्पून मैदा डाल के मैश कर लीजिए, फिर उसको छान लीजिए। गुलाब जामुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। इसी तरह सारा गुलाब जामुन हम छान लेते हैं। हम एक एक करके डालेंगे
और हल्का हल्का चलाते रहेंगे। गुलाब जामुन बनाते समय हम धीमा आंच रखेंगे। आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। गुलाब जामुन बन के हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको 4 से 5 घंटे तक चाशनी में डुबा के रखेंगे, क्योंकि तभी ये खाने में टेस्टी आएगा और इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। गुलाब जामुन बनाने के बाद हमने 4-5 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। ये अच्छी तरह से चाशनी सोख कर लिया है, अब ये खाने के लिए रेडी है। आइए हम इसे गार्निश कर लेते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस संडे ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट के जरिए अपना एक्सपीरियंस हम तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ खिलाएं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। बाय बाय।